नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर ट्रेकर में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मध्य प्रदेश के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है भोपाल दिनांक 13/1/2022 को। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यह जो विज्ञापन जारी किया गया है, आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय संवाद संविदा पदों पर जो आपूर्ति पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, अनुबंध 31 मार्च 2022 तक के लिए होगा। तो इसमें जो पोस्टें ओपन की गई हैं दोस्तों, पदनाम जो होगा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का है, पदों की जो संख्या है 23 है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो होगी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर MPH MBA अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। यह अनिवार्य रूप से लागू है। अनिवार्य योग्यता जो होगी कंप्यूटर कार्य में दक्षता भी अनिवार्य, जो कार्य अनुभव सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक गैर शासकीय संस्थाओं के साथ कार्यक्रम प्रबंधन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में 4 वर्ष का अनुभव एंड अथवा में जो दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। यह डिग्री आपने कर रखी हो तो यह इस पदनाम जो पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मासिक वेतनमान जो होगा 30,000 रुपये होगा। पब्लिक हेल्थ मैनेजर की जो भर्ती निकली हुई है, 32 पोस्ट इसमें टोटल है। मान्यता प्राप्त जो इसकी शैक्षणिक योग्यता मांगी हुई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री एंड वांछनीय शैक्षणिक अर्हता सामाजिक विज्ञान, पब्लिक हेल्थ MSW अन्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि रखा हो। जो इसमें अनिवार्य कार्य अनुभव जो मांगा हुआ है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र NGO में अनिवार्य जो न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा हुआ है। इन सभी में जो एज लिमिट होगी 21 से 40 वर्ष होगी। इसमें तीसरी जो पोस्ट है कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार की जो पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर MPH MBA अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, अनिवार्य कंप्यूटर दक्षता जो आपके पास डिप्लोमा धारी हो, स्वास्थ्य एवं क्षेत्र में NGO अनिवार्य न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव भी यहाँ पे मांगा हुआ है। MIS डाटा असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस IT से स्नातकोत्तर अथवा किसी भी विषय में स्नातक के साथ ISAT मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय PGDCA पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT द्वारा यहाँ पे आपके पास जो डिप्लोमा मांगा हुआ है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र NGO अन्य संस्था में डाटा मैनेजर मैनेजमेंट डाटा कंप्लाइलेशन एवं डाटा विश्लेषण कार्य में अनिवार्य न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे मांगा हुआ है। इनकी जो सैलरी होगी कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार की जो सैलरी है 40,000 प्रति माह है एंड जो MIS डाटा असिस्टेंट की जो पेमेंट होगी प्रति माह 15,000 रुपये होगी। आवेदन जो सैम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल जो SAMS.co.in के माध्यम से किया जाएगा आवेदन। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट होगी 20/1/2022 से उपलब्ध किया गया है एंड अंतिम तिथि जो होगी 20/2/2022 होगी। यह ऑफलाइन फॉर्म अमान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एपी की, टोटल पोस्ट 23 है, जिनमें कि ओपन में 5 है, महिला में 2 है, ओपन में 1 है, फिर महिला में 1 है, और ओपन में 3 है, फिर से ओपन में 3 है, एंड महिला में 1 है, ओपन में 4 है, महिला में 2 है। दृष्टि एंड दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित जो 1.5% है वहाँ पे 0 है। बहरे और कम सुनने वाले जो HH वाले हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। लोको मोटर जो होंगे डिसेबिलिटी जिससे सम्मिलित हैं सेरिबेल्स, जो कि इसमें 1-1 पोस्ट दी हुई है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए 6 पोस्ट है, ओपन महिला, ओपन महिला, ओपन महिला, यहाँ पे 6-3-2-1-4-2-3-2-6-3-1-1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। बाकी कम्युनिकेटिव प्रोसेस सलाहकार में 1 ही पोस्ट है ओपन में। MI 1 सर डाटा असिस्टेंट जो होंगे उन पे 1 ही पोस्ट दी है, बाकी सभी में 0 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक के जिन्होंने हमारी वीडियो देखा है या देख रहे हैं, वह जो पहली बार आया है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, ऐसे ही नई नई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।